How can you make a statement in this court that this court had issued direction for sanction and then now what are you looking for? न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाना हो आपको, नाम छपवाना हो अखबार में तो ठीक है, आप करते रहिए वो सब। अब अगर आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा आप पर, कंटेम्प्ट हो जाएगा इसलिए कि यू नहीं परमिट। यस बोलिए। कोई एमपी एमएलए कोर्ट से संबंधित था, आपने सेंशन के लिए उधर ऑर्डर दिया था, क्या है सेंशन के लिए? जी 146(3) में ऑर्डर जो पास हुआ था 916 आफ ही किया था, फिर 456 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में ऑर्डर हुआ नहीं हो जो एफआईआर लॉजिंग के लिए हमने ऑर्डर दिया था। लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, हम आए थे रिट 916/2017 फिर 454/2021 में 18 में, तो फिर आपने सेंशन के लिए लिखा था, तो फिर हमने सेंशन के लिए दिया, सेंशन एब्सेंट हो गया। और कहाँ है ऑर्डर, कहाँ है? मतलब बोलिए। एनेक्सर 2 और 3 कंसर्निंग है, देखें क्या है। So I have, this court has not issued any direction. You said कि आपने direction दिया था sanction वाला। जी हुजूर, तो हमने sanction के लिए लिखा था sir। No, I have not issued any direction. Where is my direction? आगे पढ़िए ना हुजूर। 22 से पारा 22। ऐसा है, आप पढ़ दीजिए मुझे। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लास्ट पढ़िए जरा से, क्या ऑपरेटिव पार्ट है? पढ़िए ऑपरेटिव पार्ट, पढ़िए। रीड द डायरेक्शन पार्ट, नॉट द डिस्कशंस। रीड द डायरेक्शन पार्ट। अल्टीमेटली व्हाट द कोर्ट हैज हेल्ड आफ्टर ऑल डिस्कशंस। बाईस नंबर पारा में हुजूर की, इन दिस केस ऑफ माता जोड़ो स्पेसिफिक क्वेश्चन विद हेड ऑफ कंसीडरेशन बिफोर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट वाज द वेदर द नीड फॉर सैंक्शन टू बी कंसीडर्ड एज सून एज कंप्लेंट इन लॉस्ट एंड ऑन द एलिगेशन देयर ऑन कंटेंट क्वेश्चन मार्क इन ऑर्डर द फुल्ली अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द कोर्ट वुड रिप्रोड्यूस पैराग्राफ 18, 19, 20 सेट जजमेंट एज अंडर। ठीक है हुजूर, और लास्ट में क्योंकि हुजूर वो पेंडिंग था, वहाँ सेशन पेंडिंग था और वहाँ से कंसीडरेशन के लिए जो 18/10/2018 को ऑर्डर हुआ था कि नहीं आपको जो है सो सेंशन लाना ही लाना है, और उसमें जो जो यहाँ से ऑर्डर गया था 916 का सेशन पेंडिंग में, तो वो एसएचओ जो आप क्लब कर दे रहे हैं, यू आर क्लबिंग टू मैनी केसेस। प्लीज रीड द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर, यू आर स्टिल नॉट रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट। इसमें मतलब जो था वो दोस्तों आप ही का। व्हाई डोंट यू रीड दैट ऑपरेटिव पार्ट? व्हाट इज आस्किंग यू टू रीड इन योर ऑपरेटिंग पार्ट? वो जो लास्ट पढ़िए ना, लास्ट में क्या कंक्लूजन आया है कोर्ट का? द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ बिल्लू भाई हरी भाई सुप्रा इज द पिटीशनर। अच्छा, कीपिंग द माइंड द प्रोविजन ऑफ 197 सीआरपीसी एंड फॉर मेंशन जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द कोर्ट इज अ कंसीडर्ड ओपिनियन द इंपियन ऑर्डर इज कंटेंट इन एनेक्सा पी 23 डज नॉट सफर ऑफ एनी लीगल इन्फर्मिटी दैट पिटीशनर। यू आर सीकिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर इन दिस केस? नहीं हो जो देन द सिटिंग ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विद पब्लिक सर्वेंट। सो दैट रिट एप्लीकेशन वॉज डिसमिस्ड बाई दिस कोर्ट, यू वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग नॉट दैट इन द सेस इन पेंडिंग आई नॉट इंटरफेयर दिस केस। सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरफेयर विद द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट? हाँ। देन मैटर एंड्स देयर। How can you make a statement in this court that this court had issued direction for sanction and then now what are you looking for?
जो हमने सेंशन के लिए लिखा है, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट में हम जाते हैं। मिस्टर जायसवाल प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। इन दिस केस आल्सो आई थिंक 2-3 मैटर्स आई हैव हर्ड, प्लीज कम विद सम गुड केस, प्लीज कम विद सम गुड केस, द कोर्ट विल डेफिनेटली कंसिडर योर ग्रीवांस, बट नॉट द काइंड ऑफ केसेस विद विच यू आर कमिंग। न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाना हो आपको, नाम छपवाना हो अखबार में, तो ठीक है आप करते रहिए वो सब, लेकिन इस तरह से अगर आप कोर्ट को इंडल्ज करेंगे देन आई डोंट नो, द कोर्ट विल हैव टू टेक अ डिफरेंट व्यू। अब आप क्या चाह रहे हैं इस कोर्ट से बताइए। हम इस कोर्ट से चाह रहे हैं कि जो सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है, हमने सीजीएम के यहाँ दिया था कि ठीक है सेंशन अब्सेंट है, आपके यहाँ पेंडिंग है, ठीक है आप इसको कंसीडर कीजिए, तो सीजीएम को और रैली करना था कि नहीं, आप हाईकोर्ट गए हुए थे 454 में, आप हाईकोर्ट को डायरेक्शन करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो हाईकोर्ट ने तो डायरेक्शन नहीं दिया ना, हाईकोर्ट ने तो डायरेक्शन नहीं दिया, हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया आपका रिट एप्लीकेशन, यू वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नहीं हुजूर, इसमें हुजूर जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसको तो आपने डिसमिस हुजूर नहीं किया था। क्या क्या लिखा है आलिया में, क्या लिखा है पढ़िए, ठीक है क्या लिखा है पढ़िए। The writ application has been preferred invoking the extraordinary jurisdiction of the counter court under Article 226 and 227 the Constitution of India with the following prayers, ठीक है। और prayers जो था मेरा हुजूर इंटर आलिया में, वो operating part था उस समय, और उसके बाद हुजूर क्योंकि sanction का एक problem था तो आपने sanction के लिए इसे mention किया। जो आप समझते हैं कि रिट कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगा कि आप सेंक्शन ग्रांट कर दीजिए, सेंक्शन ग्रांट के लिए नहीं हुजूर, कि आप सेंक्शन के लिए लिखे थे कि आपका सेंक्शन जो है माता जोग दोहे वाले में जो है, ठीक, आप सेंक्शन आप मांग सकते हैं आप, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था जो SHO जो रिटर्न कर दिया था, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में हम आए थे हम, कि ये रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन आपने मान लिया उसको कि ठीक आप सेंक्शन के लिए। अब अगर आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा आप पर, कंटेंप्ट हो जाएगा, इसलिए कि यू कैन नॉट आर्गू इन दिस कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट ओनली, एंड दैट टू एन ऑर्डर विच हैज ऑलरेडी फेस्ड ए चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने तो वकालत कराया ना। नहीं, हम समझ रहे हैं बात। तो आप फिर कैसे, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस, आपने ये कर दिया, हमने क्या कर दिया, दिस कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग यू, that order was taken to a challenge before the Honorable Supreme Court and that order has sustained the challenge. How can you make any comment against that order?